स्टूडेंट्स, हम लोग जो है बेटा आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के अंदर। आज हम लोग जो है बेटा टोटल तीन टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, और वो तीन टॉपिक्स जो है बेटा जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो क्या होंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो है मैं बात करता हूँ पहले टॉपिक की। तो पहला टॉपिक हमारे लिए होने वाला है बेटा मैग्निफिकेशन। दूसरा टॉपिक जो है बेटा हमारा जो होगा वो होगा लेंस फॉर्मूला, और तीसरा टॉपिक जो है बेटा हमारा जो रहेगा वो हमारा होगा बेटा पावर ऑफ लेंस। तो इन तीन टॉपिक्स को जो है बेटा हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं। वापस से रिपीट कर देता हूं, मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला एंड पावर ऑफ लेंस। तो देखिए बेटा, जिस तरीके से हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला के लिए डेरिवेशन किया था, ठीक उसी तरीके से जो है अगर हम चाहें तो लेंस फॉर्मूला के लिए डेरिवेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो है बेटा सिलेबस के अंदर लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है, तो उसके लिए हम लोग जो है बेटा आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लोग जो है बेटा डायरेक्टली डिस्कस करेंगे किसको, मैग्निफिकेशन को, फिर लेंस फॉर्मूला को, फिर जो है बेटा पावर ऑफ लेंस को। तो देखिए बेटा, सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन जो है बेटा बिल्कुल मिरर के लिए जो डेफिनेशन होती है वही डेफिनेशन यहां पर रहने वाली है बेटा। डेफिनेशन के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंजेज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि डेफिनेशन बिल्कुल वो की वो ही रहने वाली है। अब मैग्निफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो मैग्निफिकेशन फॉर लेंस इसका फॉर्मूला भी जो है बेटा बिल्कुल वो ही होने वाला है, और फॉर्मूला था हमारे पास में जो है बेटा यहां पर हाइट ऑफ इमेज अपॉन ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास में जो है बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था। यहां पर भी जो है बेटा मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, और हाइट ऑफ इमेज जो है बेटा वो लिखी जाएगी एच डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो लिखी जाएगी एच। और हम लोगों ने जो है बेटा इन केस ऑफ मिरर हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमारा रिजल्ट निकल करके आया था माइनस वी अपॉन ऑफ यू। ये जो रिजल्ट है बेटा ये था किसके लिए, मिरर के लिए। लेकिन हम यहां पर जो रिजल्ट निकालने वाले हैं वो किसके लिए, मैग्निफिकेशन में लेंस के लिए। तो यहां पर जो है बेटा लेंस के लिए जो फॉर्मूला जो है मैग्निफिकेशन का निकल के आता है उसमें डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं, और वो फॉर्मूला आप लोगों के पास में होता है बेटा एम एच डैश अपॉन ऑफ एच इज इक्वल टू वी अपॉन ऑफ यू। यानी कि ये जो नेगेटिव साइन है बेटा ये नेगेटिव साइन जो है यहां से एलिमिनेट हो जाता है, और केवल जो है बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन केस ऑफ लेंस आप लोगों के पास में निकल करके आता है क्या, वी अपॉन ऑफ यू। तो इस तरीके से जो है बेटा आप लोग यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्निफिकेशन फॉर ए लेंस। अब जो है बेटा हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो अगला जो है बेटा टॉपिक हमारे पास में होता है वो होता है बेटा सेकंड टॉपिक जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, लेंस फॉर्मूला। अब सबसे पहली बात जो है बेटा कि यहां पर जो है वो वी और यू जो है वो क्या है, तो बेटा बिल्कुल जो है मिरर की तरह वी और यू है। वी जो है बेटा वो इमेज डिस्टेंस है, और यू जो है बेटा आप लोगों के पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बेटा हमारा सेकेंड टॉपिक जो कि है बेटा हमारे पास में क्या, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला की अगर मैं बात करता हूं बेटा तो देखिए वो आप लोगों के पास में क्या रहता है, बेटा हम लोगों ने जो मिरर फॉर्मूला पढ़ा था उस मिरर फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा था कि 1 बाय एफ इज इक्वल टू हम और तुम, दैट मींस 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। ये हमारे पास में जो है बेटा फॉर्मूला निकल करके आया था मिरर फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बेटा लेंस फॉर्मूला की, तो लेंस फॉर्मूला जो है बेटा वो आप लोगों के पास में मॉडिफाई होकर के आता है बेटा 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. That means आपके पास में जो है बेटा फॉर्मूला हो जाता है हम में से गए तुम। और मैंने एक बहुत अच्छी सी ट्रिक आप लोगों को जो है बेटा इसको याद करने की बताई थी, और वो जो ट्रिक मैंने आप लोगों को इसको याद करने की बताई थी बेटा वो थी कि मिरर के अंदर आप अपने साथ में जो है बेटा अपनी इमेज को देख पाते हैं, तो तब जो है बेटा आप क्या कहते हैं, तब आप कहते हैं कि 1 by f is equal to हम और तुम। That means आप स्वयं
और आपकी जो है अपना प्रतिबिंब यानी कि आपकी इमेज जो आप लोगों को मिरर के अंदर दिखाई दे रही है, दोनों एक साथ जो है वो आप लोगों को दिखाई पड़ते हैं। डेट्स व्हाई जो है बेटा आपने कहा वहां पर हम और तुम। लेकिन जो है अपना लेंस के केस में जो है जनरली जो है वो ट्रांसपेरेंट होने के कारण उसकी इमेज आप लोगों को जो है बेटा अपीयर नहीं होती है, आप लोगों को दिखाई नहीं देती है। तो इस वजह से जो है बेटा आप लोग यहाँ पर जो है वो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं हम में से गए तुम, डेट मीन्स 1/v - 1/u। तो इस तरीके से आप लोगों के पास में जो है बेटा लेंस फॉर्मूला आता है 1/f = 1/v - 1/u। तो चलिए अब हम लोग जो है बेटा इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे जो है बेटा हम लोग जो है यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं क्या, एक न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड होगा इसके ऊपर, लेंस फॉर्मूला के ऊपर। देखिए इसको हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो एक क्वेश्चन जो है बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज, अगर जो है बेटा कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फोर्टी सेंटीमीटर फार फ्रॉम इट, देन फाइंड पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तब आप लोगों को जो है बेटा फाइंड आउट करना है पोजिशन और नेचर जो है बेटा इमेज की। देखिए क्वेश्चन जो है बेटा यहाँ पर मन से बना दिया गया है, लेकिन देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए जो है वो हमारे पास में रिजल्ट क्या निकल करके आता है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर अगर जो है बेटा हमारे पास में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दो अगर जो है वो नॉन वैल्यूज है तो तीसरी अननोन वैल्यू को जो है बेटा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं उसमें कितने वेरिएबल्स हैं, टोटल तीन वेरिएबल्स हैं, तीन में से अगर दो नॉन हो तो जो है बेटा थर्ड वेरिएबल को आसानी से जो है डिडक्ट किया जा सकता है। तो देखिए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो हम लोग जो है बेटा न्यूमेरिकल के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में जो मेथड है उस मेथड से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, और वो मेथड हमें क्या कहता है बेटा गैप्स, GAFS, गिवन आस्क फॉर्मूला और सॉल्यूशन, ये जो है बेटा ये मेथड हमें कहता है। तो देखते हैं इसको गैप्स को। सबसे पहले जो है बेटा हम लोग देखते हैं यहाँ क्या गिवन है, तो गिवन की अगर मैं बात करता हूँ बेटा तो गिवन के लिए सबसे पहले जो है बेटा यहाँ पर देखेंगे हम लोग, आप लोगों को दी गई है फोकल लेंथ और साथ ही साथ दिया गया है कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि फोकल लेंथ को हम लोगों को विद साइन लिखना है, इसलिए हमें ये जानना भी जरूरी है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो ये जो है बेटा बहुत ट्रिकी पॉइंट होता है लेंस के केस में कि आप लोग जो है वो साइन किस तरीके का जो है वो अज्यूम करते हैं। तो देखिए इस चीज से बचने के लिए कि आपकी मिस्टेक जो है वो यहाँ पर साइन कन्वेंशन के अंदर जो है वो कम से कम हो, उसके लिए आप क्या कीजिए बेटा यहाँ पर लेंस को ड्रॉ कर दीजिए। तो लेंस को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ बेटा तो ये मैंने लेंस को ड्रॉ कर लिया है। अब बेटा मैंने आप लोगों से कहा था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा इस तरफ रखा जाता है, यानी कि लाइट इंसिडेंट होगी इस लेंस की कौन सी वाली सरफेस पे, इस सरफेस पे, और अगर लाइट इस सरफेस पे जो है बेटा अगर इंसिडेंट होगी तो इसकी फोकल लेंथ जो है बेटा किस तरफ होगी, इस तरफ। तो यहाँ पर जो है बेटा इसकी कहीं फोकल लेंथ आप लोगों को मिलेगी और वो जो है बेटा आप लोगों को दे रखी है कितनी, 80 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है बेटा आप लोगों का क्या है पोल, और ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने रखा हुआ है बेटा किस डिस्टेंस के ऊपर, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अगर आप लोगों ने जो है बेटा ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो वो भी कहाँ से मेजर होती है बेटा, आप लोगों के पास में जो है बेटा ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी मैंने जो है वो लास्ट टाइम इसको पोल बोल दिया था, ऑप्टिकल सेंटर से जो है बेटा कितनी डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर जो है बेटा 40 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर
तो यहाँ पर जो है बेटा आप लोगों के पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये 40 cm, तो यानी कि आप लोगों को ये दी हुई है यू और ये आप लोगों के पास में जो है बेटा किसकी वैल्यू है स्मॉल है, दोनों वैल्यूज आप लोगों के पास में है। अब अगर इसको ओरिजिन मान लें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। दैट मीन्स आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है बेटा एफ इज इक्वल्स टू प्लस 80 cm, यानी कि एफ की जो वैल्यू आप लोगों के पास में आएगी बेटा वो आप लोगों के पास में कैसी आनी है, पॉजिटिव आनी है। और उसके अलावा जो है बेटा आप लोग अगर यहाँ पर देखें कि U की जो वैल्यू है वो कैसी है, तो U की वैल्यू जो है बेटा आप लोगों को मिलेगी वो मिलेगी बेटा नेगेटिव -40 cm। रीजन क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है, डेट्स वाई जो है बेटा -40 cm। तो ये तो हुआ बेटा वो चीज जो हमें गिवन है। अब जो है बेटा गैप्स के अकॉर्डिंग सेकेंड चीज होती है आस्क, क्या हमसे पूछा गया है। तो आस्क के लिए अगर हम लोग बढ़ते हैं बेटा, तो आस्क के अंदर आप लोग देखिए आप लोगों से पूछा गया है पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। दैट मीन्स आप लोगों से पूछा गया है बेटा कि यहाँ पर वी क्या होगा और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन एम क्या होगा, तो इन दोनों के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। अब थर्ड थिंग पे अगर हम लोग बढ़ते हैं बेटा, तो वो है हमारे पास में फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर क्या होगा, तो फॉर्मूला के लिए अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा, तो फॉर्मूला देखिए क्या है यहाँ पर। क्योंकि आपके पास में दिए गए क्वेश्चन के अंदर, दी गई प्रॉब्लम के अंदर लेंस का जो है वो जिक्र किया गया है, तो हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा वो कौन सा होगा, लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल्स टू हम में से गए तुम, डेट मीन्स 1/v -1/u। तो ये आप लोगों के पास में क्या आ गया, लेंस फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो आप लोगों को यहाँ पर काम में लेना है वो होगा बेटा मैग्निफिकेशन एम का, v की वैल्यू। डेट मीन्स इमेज पोजीशन जो है बेटा वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। अब मैग्निफिकेशन आप लोगों को जो है वो निकालना है, तो मैग्निफिकेशन जो है बेटा वो आप लोगों के पास में होगा m, और उसकी वैल्यू जो है बेटा आप लोगों के पास में कितनी होगी, v अपॉन ऑफ u। प्लीज कीप इट इन माइंड दैट यहाँ पर आप लोग जो है बेटा माइनस v अपॉन ऑफ u पुट नहीं करेंगे, आप लोगों को जो है बेटा इन फॉर्मूला v अपॉन ऑफ u ही पुट करना है, माइनस v अपॉन ऑफ u जो है बेटा आप लोगों को पुट नहीं करना है। अब जो है बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की ओर। गिवन हो गया, आस्क हो गया, फॉर्मूला हो गया, अब हम लोग बढ़ रहे हैं बेटा सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन जो है बेटा मैं यहाँ ऊपर की ओर जो है वो लिख रहा हूँ, तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या कहता है हमें। तो सबसे पहले जो है बेटा 1/f, तो 1/f की वैल्यू जो है बेटा +80 इज इक्वल्स टू 1/v, ये हमें कैलकुलेट करना है, -1/u। अब u जो है बेटा वो आप लोगों के पास में -40 है, तो ये -40। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो गया बेटा, प्लस। दैट्स व्हाई अब यहाँ पर जो है बेटा ये हो गया आपके पास में 1/80, 1/v प्लस 1/40। अब आप यहां से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो आप लोगों के पास में रहेगा ये 1/80 -1/40 1/v। डेट मीन्स 1/v तो इधर ही हो गया, और इसको हम लोग जो है बेटा इस तरफ ले आए, तो 1/80 -1/40। तो यहां पर एलसीएम अगर हम लोग ले लें बेटा, तो 80 हमारे पास में एलसीएम रहेगा, और 1 -2 यानी कि -1/80 जो है बेटा आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। तो आप लोगों के पास में 1/v इज इक्वल्स टू आया बेटा -1/80। तो यहां से जो है बेटा आप लोग बोल सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू -80 cm, यानी कि आपके पास में जो इमेज बनेगी वो -80 cm, डेट मीन्स इस तरफ बनेगी, और कितने डिस्टेंस पे बनेगी, -80 cm के ऊपर ही जो है बेटा बनेगी। तो देखते हैं इधर जो है बेटा यहाँ पर कितने डिस्टेंस पे बनेगी, -80 cm। तो ये आप लोगों के पास में वी और इज इक्वल्स टू -80 cm। अब देखिए जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ इमेज बन रही है बेटा, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ अगर इमेज बन रही है बेटा, तो लेंस के केस में क्या होता है, लेंस के केस में इस तरीके की जो इमेज होती है वो एक वर्चुअल इमेज होती है। कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज है
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है बेटा ऑब्जेक्ट जिस तरफ रखा हुआ है उसी तरफ लेंस के केस में अगर इमेज बन रही है तो वो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। तो चलिए एक चीज का तो हमें यहाँ से पता लगा कि इमेज जो है वो कैसी होगी? वर्चुअल। अब मैग्नीफाइड होगी या नहीं होगी उसके बारे में हम लोग जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, किसके बेसिस पे? मैग्निफिकेशन के बेसिस पे। तो मैग्निफिकेशन जो है बेटा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं और वो है बेटा हमारे पास में एम इज इक्वल टू वी अपॉन ऑफ यू। तो अब यहाँ पर जो है बेटा आप लोगों के पास में वी की जो वैल्यू है, वी की जो वैल्यू है वो आप लोगों को मिली है क्या? वी की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर मिली है -80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिखोगे -80। यू की वैल्यू जो है बेटा वो आप लोगों ने लिखी है यहाँ से -40 सेंटीमीटर। तो वी अपॉन ऑफ यू को कैलकुलेट करने पर आपको क्या मिल रहा है? 2। एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल रही है। एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलने का मतलब क्या है बेटा? इमेज इज मैग्निफाइड, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। अगर वन की वैल्यू, अगर एम की वैल्यू जो है बेटा 1 से कम हो, दैट मीन्स इमेज जो है वो मैग्निफाई नहीं हुई है, वहां पर उसकी साइज रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस इमेज जो है वो आप लोगों को ऑब्टेन होती है। लेकिन एम की वैल्यू 1 से ज्यादा मिल रही है, दैट मीन्स जो है बेटा इमेज क्या हो चुकी है? मैग्निफाइड। और सर अगर एग्जैक्टली 1 हो जाए तो डेट मीन्स इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की हाइट जो है बेटा क्या है? सिमिलर है। दोनों की साइज जो है बेटा क्या है? सिमिलर है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में एम की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी ऑब्टेन होती है? 2। तो एम की वैल्यू जो है बेटा हमारे को यहाँ पर मिली 2। और साथ ही साथ एम की वैल्यू पॉजिटिव भी है। एम की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब हमें जो है वो क्या पता लगता है? डेट मीन्स हमें पता लगता है कि एम इज इक्वल टू होता है H'(H)=2। अब दो चीजों का रेशियो जो है वो अगर पॉजिटिव आ रहा है, डेट मीन्स या तो दोनों नेगेटिव है या फिर दोनों पॉजिटिव है। अब हमें अच्छे से पता है बेटा कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को जो रखा था वो वर्टिकल पोजिशन, मतलब वर्टिकली जो है बेटा इरेक्ट पोजिशन में सीधा रखा था। तो यानी कि अगर जो है ऑब्जेक्ट को सीधा रखा हुआ है तो इमेज भी कैसी बन रही है? सीधी बन रही है। तो इमेज भी जो है बेटा यहाँ पर कैसी बन रही है? सीधी। कैसे पता लगा? वापस से बता देता हूँ। H'(H) दोनों का रेशियो जो है बेटा पॉजिटिव है वो तभी आ सकता है जब ये दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। हमारे पास में जो है बेटा H अगर पॉजिटिव था तो H' भी क्या होगा? पॉजिटिव। तभी तो पॉजिटिव मिल पाएगा। तो यानी कि इमेज जो है बेटा मैग्निफाइड मिल रही है। तो आप सारे रिजल्ट्स अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो देखिए कैसे मिलेंगे। इमेज इज 80 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक रिजल्ट तो ये हो गया। अब मैग्निफाई के बारे में भी लिखना है तो आप लिखेंगे इमेज इज जस्ट 2x फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यानी कि इमेज जो है बेटा जस्ट 2x हाइट के अंदर है किससे? ऑब्जेक्ट से। तो बेटा ये आप लोगों के पास में था एक एग्जांपल जो कि लेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था। अब आप लोगों को क्या करना है बेटा, आप लोगों की बुक के अंदर दिए गए जो दूसरे एग्जांपल्स हैं उन्हें जो है बेटा आप लोगों को सॉल्व करके देखना है और फिर उनके बेसिस पे जो है बेटा आप लोगों को जो है वो दूसरे क्वेश्चंस भी करके देखने हैं अगर आपके पास में अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप लोग जो है बेटा मुझसे क्वेश्चन सीट जो है वो मांग सकते हैं। मैं आप लोगों को जो है बेटा व्हाट्सएप पे जो है वो क्वेश्चन सीट जो है वो भेज दूंगा इन PDF। अब जो है बेटा हम लोग इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं और हमारा थर्ड आज का जो टॉपिक है और लास्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं और वो है बेटा हमारे पास में पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस देखिए बेटा क्या है। पावर ऑफ लेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसको डिफाइन अगर मैं करूं बेटा तो पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन होती है
द पावर ऑफ अ लेंस इज कैपेबिलिटी ऑफ दैट लेंस टू कन्वर्ट और डाइवर्ट द लाइट रेज इंसिडेंट ऑन इट। यानी कि किसी भी लेंस के ऊपर गिरने वाली जो लाइट रेज होती है उन्हें वो लेंस कितना इफेक्टिवली जो है वो कन्वर्ट कर सकता है, डेट मीन्स एक पॉइंट के ऊपर ला सकता है, और कितना डाइवर्ट कर सकता है यानी कि जो है उन्हें बिखेर सकता है, दैट इज द पावर ऑफ दैट लेंस। अब हमें ये बहुत अच्छे से बताया होता है कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है। तो अब हम लोग जो है बेटा यहां पर कैलकुलेट करते हैं पहले कि किस तरीके से जो है वो हम लोग लेंस की पावर को जो है वो पावर ऑफ लेंस का जो है बेटा फॉर्मूला जो होता है वो है बेटा आप लोगों के पास में P इज इक्वल्स टू 1 बाय L। दैट मीन्स पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी कि जो है बेटा रेसिप्रोकल होती है इसकी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस की। अब जो है बेटा मैं यहाँ पर इस साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ दोनों लेंसेस को एक साथ कॉन्वेक्स और कॉनकेव को, ठीक है। तो सबसे पहले जो है बेटा मैंने यहां पर बताया आप लोगों के पास में कॉन्वेक्स लेंस, और फिर जो है बेटा मैं ड्रॉ करता हूं कॉनकेव को। ये हम लोग जो है बेटा पहले पढ़ चुके हैं कि कॉन्वेक्स जो है बेटा वो कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव जो है बेटा डाइवर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों लेंसेज जो है मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता है बेटा कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है पॉजिटिव। जस्ट अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें हम लोगों ने काम में लिया था फोकल लेंथ, तो वो कैसी होती है पॉजिटिव। जबकि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो होती है आप लोगों के पास में नेगेटिव। ये फोकल लेंथ आप लोगों के पास में क्या आती है नेगेटिव आती है। अब जो है बेटा ये कन्वर्जिंग है ये डाइवर्जिंग है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब इस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा हम लोग अगर जो है वो पावर निकालते हैं तो देखिए पावर ऑफ लेंस। अब लेकिन हमें जो है बेटा पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करनी है कौन से लेंस की कन्वर्जिंग दैट मींस जो है बेटा कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो है बेटा पावर क्या होगी तो यहां पर लिख देता हूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए पी इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ। अब f की वैल्यू अगर जो है बेटा पॉजिटिव रहेगी ऑलवेज तो जो है बेटा p हमें क्या मिलेगा ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मींस p की वैल्यू जो है बेटा कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी। p की वैल्यू आप लोगों को क्या मिलेगी पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर ऑलवेज आप लोगों को जो है बेटा पॉजिटिव मिलेगी। अब जो है बेटा अगर हम लोग कहें पावर ऑफ लेंस और वो भी किसकी कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस के लिए अगर मैं बात करूं बेटा तो यहां पर जो है ये कॉनकेव लेंस है इसके लिए जो है वो पावर क्या रहेगी तो फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू 1 बाय F। लेकिन ये F जो है बेटा वो नेगेटिव होता है, F नेगेटिव होने के कारण जो है बेटा यहां इसकी जो पावर आएगी वो आप लोगों के पास में क्या आएगी नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि कॉनकेव लेंस की पावर जो है बेटा ऑलवेज क्या होती है नेगेटिव होती है। अब इसके बेसिस पे जो है बेटा आप एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं और वो कंक्लूजन जो है वो क्या रहेगा अगर किसी बंदे के जो है बेटा स्पेक्स लगे हुए हैं उसे देखने में परेशानी है दूर का या पास का जो है वो कम दिखाई देता है और अगर उसने स्पेक्स लगा रखे हैं और अगर आप उससे पूछते हो कि चश्मा जो है वो कितने नंबर का है तो वो आप लोगों को बोल करके बताते हैं कि प्लस 1.2 का है माइनस 1.3 का है। इस तरीके से अगर जो है बेटा आप लोगों को वो बताते हैं तो उसका मतलब है बेटा कि अगर उन्होंने बोला प्लस है तो प्लस दैट मीन्स उनके जो स्पेक्स हैं उनके अंदर जो लेंसेज काम में आ रहे हैं वो लेंसेज कौन से हैं कॉन्वेक्स लेंसेज है। अगर वो आप लोगों को जो है बेटा माइनस बोलते हैं तो इसका मतलब जो है बेटा क्या है कि वो लेंसेज जो वहां पर काम में आ रहे हैं वो कौन से हैं कॉनकेव हैं। अब इस बेसिस पे जो है बेटा आप आगे जो है बेटा ये भी पता लगा सकते हैं कि किस तरीके की जो है वो डिफेक्ट ऑफ आई के अंदर किस तरीके का लेंस जो है वो हम लोगों को काम में लेना चाहिए। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो बेस्ड रहेगी बेटा पूरी की पूरी डिफेक्ट्स ऑफ आई के ऊपर। उससे पहले जो है बेटा हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में कि कैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है किस तरीके से हम लोग जो है किसी ऑब्जेक्ट को देख पाने में कैपेबल होते हैं और
आंखों आंख में मौजूद जो है वो किस किस तरीके की चीजें जो है वो किस किस तरीके से काम करती हैं, इन सभी चीजों के बारे में जो है बेटा हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए लगातार, और जो भी आपकी नजरों में नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई रेगुलर नहीं चल रही है उन्हें जो है बेटा इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों को जो है बेटा ये अच्छा लगता है तो आप जो है बेटा इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।